सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? एज यू आर वेल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीकली एनालिसिस की वीडियो में। यार डेली अपलोडिंग नहीं करता, वीकली एनालिसिस अपलोड करता हूँ। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स का फ्री वाला कोर्स देखना है तो आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारे सामने खुला हुआ है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की इस टाइम जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है के यहां पर बना था ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसने ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्टिंग गई थी, दल मार्केट गोन अप। अब ये मार्केट अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर आई, इसने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अब ये हायर लो बनाती है ना, फिर हम यहां पे एक अपनी ट्रेंड लाइन लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। जब हम अपनी ट्रेंड लाइन लगाएंगे तब थर्ड हायर हाई यहां पे आएगा, यहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहां पे टेक प्रॉफिट रखेंगे और यहां तक का मूव हम मार्केट से लेंगे। मैं एक दफा आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हम सेलिंग मोमेंटम में देख सकते हैं, लेकिन फिर हम मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ आती है, ये सिचुएशन है, अगर थर्ड हायर हाई बनता है फिर हायर लो बनता है तो हम मार्केट को सेलिंग मोमेंटम में देखेंगे, और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो मार्केट को हम अप देखेंगे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक दो मंथ के अंदर मार्केट ने हमें 20,040 तक का मूव देना है। तो गोल्ड की इस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन है। और अगर आप लोग मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो वैसे अगर रूल के मुताबिक देखा जाए मार्केट साइकोलॉजी को निकाल के, तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। जब एक रेजिस्टेंस को रिटेस्टिंग दे दिया है, अब मार्केट को हमने सेलिंग में ही देखना पड़ेगा। H4 का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, यूएस ऑयल की क्या सिचुएशन है? यूएस ऑयल भी अपनी रेजिस्टेंस से नीचे आया है, अब रीटेस्टिंग कर सकता है, रीटेस्टिंग ना भी करे तो ये इसकी एक छोटी सी रीटेस्टिंग हुई भी है यहाँ पे स्टॉप। अगर ये अगर अपनी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो हम इसको सेलिंग में देखेंगे, वरना मुझे ये लग रहा है ये थोड़ा सा साइड में जाके फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये मैं अपडेट करता रहूँगा यार एनालिसिस में, तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। ऐसे 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 भी कर सकता है यार, ये सिमेट्रिकल ट्राई एंगल भी बना सकता है और मार्केट कौन फॉल डाउन जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो तो डाउन की नज़र आ रही है, एंड लेट्स सी व्हाट मार्केट कैन डू। आप सेलिंग के अंदर मूव ले सकते हैं, स्टॉप लॉस की तो खेलेंगे मार्केट के अंदर तो कामयाब है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखते हैं तो 3% टेक प्रॉफिट हो जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट ने आपको अच्छा मूव दिया है। तो हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी क्या सिचुएशन है? उसकी भी सेम एज इट इज यही जा रही है कि यहाँ पे कोशिश की डबल बॉटम बनने की लेकिन नहीं बना, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर टाइप बना हुआ है लेकिन वो भी हो गया खराब। अब हम देखेंगे वो ये खुल गया DXY, ठीक है। ये इसकी इस टाइम की एक जो है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से आ चुका है ये नीचे, एक दफा टच किया, दो दफा टच किया लेकिन नीचे। तो अब यही लगता है कि यूरो यूएसडी आ सकता है यहाँ तक, फर्स्ट आएगा यहाँ तक। इस यहाँ पे क्या है 1.08442 तक आ सकता है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक आ सकता है, सेलिंग मोमेंटम में रहेगा, इतना ज़्यादा बाय पंप कर नहीं सकता। हाँ अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर बाय की तरफ जाओ, जो सीधी साफ बात है। अगर यहाँ से नीचे आ रहा है अभी अभी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखो, मार्केट नीचे इतना बड़ा मूव दे सकती है। हाँ अगर यहाँ से वापस ऊपर आता है तो फिर देखो मार्केट क्या कर रही है। इस तरह की सिचुएशंस में मार्केट में हमें स्टॉप लॉस के साथ चलना ही बेहतर रहता है। जीबीबी यूएसडी का ये सिचुएशन है। परसों मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया था सेल लो, और जिन जिन लोगों ने सेल ली उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, और जिन्होंने नहीं ली वो भी उन्होंने नहीं कमाया। तो मेरे ख्याल में GBBUSD भी सेल है इंशाल्लाह, इसलिए GBBUSD सेल है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ अगर ये वापस इधर से ऊपर आ जाता है तो फिर ये बाय है। कंफर्मेशन तो मार्केट में किसी भी नहीं है, बस प्रेडिक्शन होती है।
अगर आपकी 60-70% प्रेडिक्शन अच्छी हैं तो आप मार्केट में कामयाब है। अब आ गया है जी USDJPY। USDJPY साहब ने बनाया हुआ है बाय ट्रेंड, तो यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर हायर हाई बना के मार्केट एक पैटर्न में चलती है, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलती है अगर न्यूज़ ना हो तो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये इसने हायर लो बनाया, ये हायर हाई है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, हायर लो बनाए फिर हायर हाई बनाए फिर हायर लो बनाए, इस तरह की सिचुएशन में कर सकता है और ये डायरेक्ट बाय भी जा सकता है। अगर DXY जो है ना वो नीचे आएगा और ये DXY के साथ चलता है, DXY नीचे जाएगा तो ये भी नीचे आएगा, DXY ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, सेम इनकी ये सिचुएशन रहेंगी। और अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं किसके एनालिसिस रह गए, DXY के रह गए। ठीक है, DXY डॉलर के देखते हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ सिचुएशन क्या है। बहुत सी कंट्रीज ने अपने साथ हाथ मिला लिया है, ऐसे करके हाथ मिला लिया है कि हम DXY को गिराएंगे, DXY को गिराने की मुहिम चल रही है। अब इस सूरत हाल में DXY डंप भी हो सकता है और DXY पंप भी हो सकता है, तो इन दिनों मुझे लग रहा है DXY पंप होगा फिर डंप होगा, पंप होगा डंप होगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी नज़र नहीं आ रही। मुझे 2-3 महीने मार्केट इसी एरिया में रह सकती है। मैं एरिया आपको बताता हूँ DXY के कौन सा एरिया में मार्केट 2-3 महीने तक रह सकती है, इस एरिया तक 2-3 महीने मार्केट रह सकती है इस तरह। तो अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाती है फिर हम समझ लो डॉलर की जीत है और उन मुल्कों की हार है। तो देखते हैं क्या मौजदा होता है, उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड्स बनेंगी, हमने तो प्रॉफिट बनाना है और हमें और चीज़ों से क्या मतलब। तो इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए, इन डीप एनालिसिस आप लोगों के लिए, इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।